गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग हमारे सेमेस्टर टू का फर्स्ट लेसन डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी पढ़ने वाले हैं। डाकिये की कहानी मतलब जो ये स्टोरी में जो राइटर है वो डाकिये के पास जाकर उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो डाकिया तो आज के ज़माने में तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज ईमेल का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मतलब आज सब लोग कुछ भी होता है तो वो सोशल मीडिया से एकदम फटाफट सब काम हो जाते हैं, तो फिर डाकिया का या मतलब पोस्ट ऑफिस का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ये कहानी उसी पे है, जो मतलब डाकिया है उनका जो राइटर है उन्होंने रिव्यू लिया है और अब हमको यहाँ पे बताया है कि वो उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, वो सब यहाँ पे एक्सपीरियंस उनके बताए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए दोपहर और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। मतलब ये कौन बता रहा है, जो राइटर है उन्होंने बताया है कि वो शिमला की जो माल रोड पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे गए थे। ये शिमला की कहानी है, मतलब शिमला की जो पोस्टमैन है उनकी। तो उन्होंने बताया है कि सुबह के 11:30 बजे हैं और थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है खिड़की से, और वहाँ पे सब डाक छाटने का मतलब जो पोस्ट ऑफिस में जो कार्ड्स आते हैं, अलग अलग डाक आती है, वो सब अलग करने का काम कर रहे हैं। कुछ फीमेल्स है और कुछ मेल हैं, वो सब मिलके डाक अलग करने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनको जो राइटर है उनको किससे बात करनी है, कुंवर सिंह जी से, जो मतलब उनको सरकार ने कुछ इनाम दिया था, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए वो आगे बताया है कि उन्होंने उनको किस लिए पुरस्कार देने में आया था। तो वो लेखक जाकर पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे। आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। लेखक ये जो कंवर सिंह हैं यहाँ पे, जिसका बताया गया कि कंवर सिंह की जबानी, मतलब जो कंवर सिंह पोस्टमैन है उनको लेखक से बात करनी है। तो लेखक उनके पास गए हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, कि आपकी एज क्या है। तो वो जो कंवर सिंह है वो बताते हैं कि मेरा नाम है कंवर सिंह और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला है, शिमला मनाली वो सब जो हिमाचल प्रदेश में है, वैसे वो भी शिमला में, शिमला के एक जिला है नेरवा गांव, वहाँ पे रहते हैं। और उनकी एज कितनी है, 45 ईयर्स की एज है। तो लेखक उनसे पूछते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो लेखक ने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके बच्चे कितने हैं, वो सब मतलब पूछा था। आप हमें उनके बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, कितने बच्चे हैं, वो सब। तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गाँव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जो कंवर सिंह थे उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक जो लड़का था वो मतलब पहाड़ी गांव में, ऐसा जो मतलब हिमाचल प्रदेश है वो सब हिल स्टेशन है, वहाँ पे मतलब रोड है सारे वो बहुत रिस्की होते हैं, वहाँ से आने जाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेखक जो कंवर सिंह है वो बोलते हैं कि मेरा लड़का जब वो लकड़ियाँ लेकर वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से गिर गया और उसकी मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पे रोड बहुत ही मतलब कच्चे होते हैं, इतने पक्के नहीं होते, और वहाँ पे बहुत बर्फ़ भी गिरती है, तो उसकी वजह से सब हर जगह बर्फ़ होती है और रास्ते भी इतने पक्के नहीं होते। तो वहाँ से, और सब हिल स्टेशन पे बहुत ऊंचाई पे होता है, तो वो उनका लड़का वहाँ से लकड़ियाँ लेके आ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वहाँ पे ही वो गिर के मर गया। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो जो राइटर है उन्होंने जो कंवर सिंह है मतलब जो पोस्टमैन है उनसे पूछा कि आपके बेटे के बारे में सुनकर हमें बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे ऐसी मतलब रोज होता है, अक्सर होता रहता है, क्योंकि वो इलाका मतलब वहाँ पे लोग सब टूरिस्ट ही जाते हैं, मतलब कोई घूमने जाता है ऐसा सब कुछ ज़्यादा, वहाँ पे मतलब लोग भी नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे ना उनको जल्दी जॉब मिलती है ना कुछ, वो लोग मतलब बारिश और बर्फ़ इतनी गिरती है ना वहाँ पे कि उनको कहीं पे जाना हो तो अभी बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ की रोड उनके लिए बहुत रिस्की होते हैं, तो लोग वहाँ पे जल्दी
पे रहने के लिए नहीं जाते, वहाँ पे सिर्फ जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग ही जाते हैं, और वहाँ पे रहने वालों की मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। तो वो लेखक ने उनसे वही पूछा कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं रोज़ होती है, यहाँ पे कोई ना कोई रोज़ इस तरह से गिर कर मर जाता है। तो जो कॉमर्सी है उन्होंने बताया, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं, फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है, हिमाचल में हजारों ऐसे गाँव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। तो जो कंवर से हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं रोज़ होती रहती है, मतलब जो औरतें हैं वो घास काटने के लिए या कुछ भी काम से जाती है तो वहाँ पे ढलान वाले रास्ते होते हैं, मैंने बताया ना कि वहाँ के रास्ते वो सब बहुत ही रिस्की होता है, तो वो रास्तों से गिरकर औरतें जो है वो गिरकर वहाँ से मर जाती है। तो ऐसा वहाँ पे होता रहता है, कोई आम बात है वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होता वो लोगों को कि नहीं ये आज मर गया वहाँ पे। वो ढलान वाला भी रास्ता है, वो उतनी बर्फ़ भी गिरती है, वो सब की वजह से वहाँ पे रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई इस तरह से मरता रहता है। और एक गांव से दूसरे गांव कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोगों को पैदल चल के भी जाना होता है, और गांव सब एक बहुत दूर दूर है, मैंने बताया ना इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं है, तो एक गांव में कम घर हैं फिर दूसरे गांव में भी उतने ही होंगे, तो वो लोगों को और वहाँ पे जल्दी व्हीकल भी नहीं मिलते, तो एक गाँव से दूसरे गाँव तक चल कर जाना पड़ता है, और मतलब सब गाँव भी बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो उसमें उन लोगों की सेफ्टी तो रहती नहीं है, फिर वो लोग चलते चलते मतलब ऐसा कुछ भी हो जाता है, वो लोगों को पता नहीं चलता, और आसपास बर्फ घास इतनी होती है कि वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि यहाँ पे खाई है या कुछ है, तो फिर वो लोग वहाँ पे गिर के मर जाते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। तो जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल में, तो वो बताते हैं कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो उनकी एक बेटी है वो 10वीं में पढ़ रही है, दूसरी 12वीं तक, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, और बेटा 10वीं में है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर स्कूल है, मतलब तो उनके चारों बच्चे शायद वहाँ पर ही पढ़ते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो लेखक पूछते हैं कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपके अलावा और कौन कौन काम करता है, और वहाँ पे भी आपको सब मतलब डाकिया कहकर ही बुलाते हैं? तो पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं बैंकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो मतलब जो बोलते हैं क्योंकि पहले मैं भारतीय डाकघर में मतलब काम करता था, लेकिन अभी भी मैं वही पैंकर, मतलब अभी मैं पैंकर बन गया हूँ, पैंकर मतलब पोस्टमैन बन गया हूँ। उनको ज़्यादा कुछ मतलब गांव एक दूसरे गांव में सब घूम के वो पोस्ट देने जाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन हूँ वही नीली गर्दी वाला सेवक। मतलब अब वो मतलब पहले वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, लेकिन मतलब जो भारतीय डाक सेवा ग्रामीण डाक सेवा के वहाँ पे वो काम करते थे, लेकिन अभी भी वो अपने आप को ऐसा ही बताते हैं कि मैं वो ही नीली गर्दी वाला पुराने वाला ही सेवक हूँ। डाक सेवक को क्या करना होता है? तो वो जो बोलते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव को जाता हूँ। तो मतलब वो कुंवर से बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझे एक दूसरे गांव में सबको पत्र देने होते हैं, उनका कुछ पार्सल होता है, फिर बूढ़े लोगों की पेंशन आदि, फिर रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर पत्र, वो सब देना पड़ता है। तो मतलब अभी तो डाक किया कि उतना कुछ रहा नहीं है, क्योंकि किसी को भी अगर काम हुआ तो वो डायरेक्ट ईमेल कर देता है या मैसेज कर देता है, ऐसा सब मतलब अभी कम्युनिकेशन एकदम ईजी हो गया है, तो डाकियों की कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये स्टोरी बहुत पहले की है, इसलिए यहाँ पर बताया है कि मुझे पत्र देने जाना होता है। फिर पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी की पेंशन देनी हो वो भी वो मतलब पोस्टमैन के थ्रू ही जाते थे, पोस्टमैन को वो लोग पोस्ट कर देते, फिर वो पोस्टमैन घर घर जाकर वो पेंशन दे देता। अगर कोई मतलब एक गांव से दूसरे गांव रहता हो तो उनको भी पोस्ट देनी हो तो वो डाकिये को ही देते थे इस तरह से। लेकिन अब तो कम्युनिकेशन एकदम ईजी हो गया है, तो कोई डाकियों को मतलब ज़्यादा मतलब डाकघर का कोई यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेशों देने का बहुत कुछ नए तरीके आ गए हैं।
तो वो लेखक भी वही बोलते हैं कि अभी भी मतलब डाकिया का उतना वो होता है, क्योंकि अभी तो कम्युनिकेशन इजी हो गया है, अभी तो इजीली सब कुछ हो जाता है, फिर भी मतलब पोस्टमैन की ज़रूरत होती है। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। तो वो जो कंवर सिंह हैं वो बोलते हैं कि भले ही मतलब शहर में आज लोगों के पास इतनी सब फैसिलिटीज़ है, फ़ोन है, ईमेल है, तो उन लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गांव में इतना कनेक्शन, मतलब जो छोटे गांव होते हैं वहां पे ऐसा होता है कि नेट का इतना कनेक्शन नहीं होता और वो सब, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो फ़ोन मतलब फ़ोन के लिए खर्च करें वो सब। तो ये कंवर सिंह बोलते हैं कि गांव में आज भी मेरा उतना ही आदर और मतलब जो आदर मतलब रिस्पेक्ट, आज भी वो लोग मेरी इतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जाता हूँ तो वो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि डाकिया आएगा, अभी चिट्ठी लेकर आएगा। हम लोगों को शहर में तो इतना भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों को तो ईजीली मतलब हमें किसी से भी बात करनी होती है या कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे ही नहीं मतलब फॉरेन में कहीं भी बात करनी होती है तो हम लोग एक मैसेज, वीडियो कॉल सब कुछ कर सकते हैं ईजीली, लेकिन गांव में अभी भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो कि हम लोगों को आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट देकर वो लोग बुलाते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो वो बोलते हैं लेखक के कि क्या ये सच है कि हमारे देश की डाक सेवा सबसे सस्ती है? तो वो कंवर से बता दें हाँ कि ये बिल्कुल सच है कि हमारे देश की जो डाक सेवा है वो बिल्कुल सस्ती है। जो हमारे देश में ही करना हो डाक तो 50 पैसे और वरना तो 5 रुपये। लेकिन ये बहुत पुराना स्टोरी है इसलिए यहाँ पे बताया, शायद अभी उसका रेट बढ़ गया होगा, लेकिन उतना रेट नहीं होगा, वो थोड़ा ही 2-5 रुपये ही बढ़ा होगा। तो देखे जाए तो हमारे यहाँ की डाक सेवा बहुत ही सस्ती है, लेकिन अब लोग उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि लोगों को सब कुछ ईजिली मिल जाता है, मोबाइल, कंप्यूटर, ईजिली सब मतलब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो कोई भले ही ये सस्ता होता है लेकिन जल्दी कोई इसे यूज़ नहीं करता। आपको अपनी नौकरी में मज़ा बहुत आता होगा, लेखक ने उनसे पूछा कि आपको आपकी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी से भरा चेहरा देखने का होता है। ऐसे ही जब किसी को रजिस्टर पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं, 6 महीनों तक वे मेरा इसलिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठा ही दी जाती है। तो इसमें जो कुंवर सिंह है वो बताते हैं कि वो कैसे अलग अलग जगह पे वो जैसे मनी ऑर्डर देने जाते हैं तो वो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, लोग उसे देखकर कितना खुश होते हैं, वो उन्होंने बताया है कि जैसे मैं किसी मतलब जो सरहद के पार जो सिपाही होते हैं उनका मतलब वो तो आ नहीं सकते यहाँ पे तो उनको मनी ऑर्डर ही करना पड़ता है, तो वो जो मैं उनका मनी ऑर्डर लेकर घर पे जाता हूँ तो वहाँ के उनके माँ बाप की खुशी देखने लायक होती है। फिर कभी किसी का रिजल्ट आया हो या किसी का जॉब के लिए अप्लाई किया हो वो सिलेक्ट हो गए हो फिर तो वो लोग भी बहुत ही खुश होते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है कि जो मतलब बूढ़े बूढ़ी होते हैं वो लोग मतलब जॉब छोड़ चुके होते हैं, वो रिटायर हो गए होते हैं, तो उनको पेंशन हर 6 महीने के बाद मिलती है, तो वो लोग मेरा 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं और जैसे ही मैं वहाँ पर पेंशन लेकर जाता हूँ तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी देखने लायक होती है। मतलब वो लोग सब कुंवर सिंह को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर, कुछ मनी ऑर्डर कुछ लेकर आया है, तो सब लोग उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब उनको देखकर सब खुश हो जाते हैं कि वाह हमारे लिए कुछ पार्सल आया है, कुछ मतलब अच्छा सा अंदर हमारे किसी रिलेटिव ने या कुछ लिखकर भेजा होगा। हवे आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? मतलब जो लेखक है वो उनसे पूछते हैं कि आप शुरू से इसी डाकघर में काम करते हो? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। मतलब जो वो बताते हैं डाकिया कि मैंने शुरू में 3 साल कहाँ पे नौकरी की है, लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है।
यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उसी वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, तो मतलब जो वो कुंवर से बताते हैं कि मैंने उसके बाद इसी जिले के कौन से गांव में 5 साल तक इसी जिले के काजा में नौकरी की है। और जो पहले वाली जहाँ पे वो किब्बत में नौकरी करते थे, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है, तो उस वक्त वहाँ पे टेलीफोन नहीं होते थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ ना तो बस जाती हो ना ही वहाँ टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे बसें भी सिर्फ मुख्यालय में ही जाती थी, जो मतलब मेन उसके सेंटर थे वहाँ पे ही जाती थी, छोटी छोटी जगह पे बसें नहीं जाती थी। और अभी भी कहीं गांव में ऐसा ही है जहाँ पे कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बसें भी नहीं जाती है, गाड़ियाँ नहीं जाती है जल्दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बस गिरी होती है, तो कोई जल्दी जाने से वहाँ पे डरता है, तो कि जल्दी लोग वहाँ पे जाते नहीं है। तो कि आज भी हम जैसे लोगों का वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, और वो लोग मतलब बोलते हैं कि डाकिया है, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली सब कुछ ट्रांसपोर्ट मतलब वो लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो जल्दी नेटवर्क भी नहीं आता है, बस भी नहीं आती है, तो उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो कि आप लोगों को मतलब इजी तो नहीं होगा यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव में पार्सल पहुँचाना या डाक पहुँचाना। हाँ, मुश्किल तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय के रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, और रात को 8 बजे शिमला में आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। बैंकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। तो मतलब वो बोलते हैं कि जब मैं शिमला के कौन से गांव में रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तब उनको सुबह में 6 बजे की ड्यूटी होती थी, तो सुबह में 6 बजे उठकर उनको जाना पड़ता था, और फिर डाक को बस में से उतारना, सब काम करना, ये सब उनको खुद से ही करना पड़ता था। तो कि ये मतलब हम लोग जितना समझते हैं उतना ईजी नहीं है, पैंकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं वो, किन्नौर और लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे ठंडे जिले हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में बहुत ही मतलब हम कोई भी मंथ में जाए वहाँ पे सर्दी ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ के लोग मतलब हमेशा उनको सब कवर करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत रहती है। तो हम कोई भी सीज़न में जाए वहाँ पे उनको ठंडी ही ठंडी में मतलब वो लोग देखने मिलेंगे। वो बहुत ही ठंडे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, सारे ही गांव हैं शहर सब वो बहुत ठंडे हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। मतलब कितनी ये लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अप्रैल में बर्फ होती है वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे इतनी बर्फ गिरती है तो उन लोगों को अपने हाथ और पैर सब कुछ कवर करके रखना पड़ता है, और जो अगर वो अपने हाथ पैर को कवर ना करें तो वहाँ पे उतनी बर्फ गिरती है कि ठंड की वजह से उनके हाथ की और पैर की उंगलियाँ गिर भी सकती है, मतलब जो उंगलियाँ है वो हाथ में से निकल के गिर जाती है। हम लोग तो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं है इतनी ठंडी सहन करने की। तो मतलब वहाँ के लोग खुद ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने हाथ पैर या पूरी बॉडी को कवर नहीं किया तो हमारे हाथ की उंगलियाँ भी गिर सकती हैं वहाँ पे, मतलब सब जाम हो जाती है वहाँ पे, उतनी सर्दी पड़ती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है, ग्रामीण डाकिया की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो वो बता दें कि यहाँ पे एक गांव में कम से कम 10 लोग रहते हैं, या 10 से 12 भी कभी कभी, तो इतने कम लोग रहते हैं तो वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो होता नहीं है, तो हमें एक गांव से दूसरे गांव 5-5, 7-7 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। तो क्या मतलब हम लोगों को तब चलने की आदत हो गई है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे वो लोगों को हर चीज़ में वहाँ पे वो लोगों को जल्दी जॉब भी नहीं मिलती, खाने पीने की उतनी ही प्रॉब्लम, बारिश भी उतनी होती है, बर्फ़ उतनी ज़्यादा गिरती है जिससे लोग रोज़ाना मरते हैं, तो वहाँ पे लोग जल्दी रहते नहीं है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी भी है। तो लेखक बोलता है कि वहाँ पे एक गांव में कम से कम मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 लोग रहते हैं,
और हम जो मतलब डाकिये होते हैं उनको तो एक गांव से दूसरे गांव तक चलकर ही जाना पड़ता है। अगर गांव में गांव से एक बस या ट्रेन कुछ भी जाता नहीं होता तो हम लोगों को चलकर ही दूसरे गांव तक जाना पड़ता है। और कि हम लोगों को तब आदत हो गई है कि 5-5, 7-7 किलोमीटर चलने की। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब बैंकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो कौन पूछता है, ये लेखक पूछते हैं कि आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, फिर बैंकर थे, और आगे अब आपने कुछ सोचा है कुछ करने के लिए? बैंकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब में हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है, बैंकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिया की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। तो मतलब वो पूछते हैं, वो बोलते हैं कुंवर से कि हम लोगों की सैलरी बहुत ही कम होती है, कि अगर हम लोग इतना काम, जो डाकिया होता है उसकी तो सैलरी एकदम कम होती है, बैंकर की और जो उनके ऊपर के लेवल के होते हैं उनकी सैलरी सेम होती है। यहाँ पे बाबू लिखा हुआ है, मतलब जो कोट पहन के मतलब कुर्सी पर सारा दिन बैठे हुए होते हैं उनकी सैलरी एकदम ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग इतना काम करते हैं फिर भी हमारी सैलरी बिल्कुल कम होती है। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो मतलब डाकिये पहले वाले थे वो रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पर नए डाकिये लेते भी नहीं हैं, जो पुराने होते हैं उनको ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके हिसाब में वो लोगों को सैलरी भी बिल्कुल कम देते हैं। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो बोलते हैं कि उनका काम भी हमें ही करना पड़ता है इसलिए उनका बर्डन हम पे आ जाता है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो उनसे राइटर पूछते हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? एक घटना आपको सुनाता हूँ, मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तो मतलब जो कुंवर से वो बोलते हैं कि हाँ एक घटना है कि शिमला में जब मेरा मतलब तबादला हो गया था, तबादला मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया था शिमला में, तो जबकि एक कहानी है वो मैं सुनाता हूँ। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस के चौकीदार का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है, 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, मैंने पूछा कौन, जवाब आया दरवाज़ा खोलो तुमसे बात करनी है। तो वो कुंवर से बताते हैं कि मुझे वहाँ पे रेस्ट हाउस दिया गया था और वहाँ पे मैं चौकीदार का काम करता था और ये बात है 1998 की 29 जनवरी के लगभग 10:30 बजे हुए थे। तो वहाँ पे उनका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया कि तो ये कुंवर से ने पूछा कि कौन है, तो सामने से जवाब आया कि दरवाज़ा खोलो मुझे आपसे ही बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्हें तो पता नहीं था कि बाहर कौन आया है, मतलब उन्हें लगा कि उनको उनसे किसी को काम होगा। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो वहाँ पे 5-6 लोग अंदर आ गए और उनको मारने लगे। तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। तो मतलब उन्होंने पूछा कुंवर से ने कि ये मतलब क्यों मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने सामने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन उनको इतना मारा कि अगर वो कुछ और पूछे उसके पहले ही उनका सिर मार मार के उनका सिर उन्होंने वो जो मारने आए थे उनको उन्होंने फोड़ दिया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद में बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था कि इतना सब किसने मारा है, क्यों मारा है, उनको रीज़न भी नहीं पता था। तो फिर उनको कोई हॉस्पिटल ले गया होगा। तो दूसरे दिन जब उनकी आँख खुली तो वो शिमला के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में पाए गए। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी रात से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, उसकी वजह से मैं आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो उनका जो 17 साल का लड़का था वो भी उनके साथ ही रहता था और मतलब रात को वो उतना चिल्लाए और उतनी भयंकर उन्होंने चिल्लाने की उनकी आवाज़ से
जो उनके आसपास के लोग थे, जो कुछ लड़के रहते थे, वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वो लोगों ने उनको सर पे इतना मारा था जिसकी वजह से उनकी एक आंख भी चली गई। तो वो बोलते हैं कि उसकी वजह से मैं आज तक अपनी एक आंख से देख नहीं सकता हूँ। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रस्तुत का पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुआ। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो जो गवर्नमेंट थी उनको, उन्होंने उनको मतलब अपने साहस पे खेलकर कुछ काम करने के लिए पुरस्कार भी दिया और उनको बेस्ट पत्रकार का इनाम दिया और पुरस्कार दिया। ये स्टोरी के राइटर है प्रतिमा शर्मा। उन्होंने मतलब ये स्टोरी कवर की है और हम लोगों को बताया है कि उन्होंने कुंवर सिंह से क्या बात की थी। थैंक यू।